हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल्ली और मावे के लड्डू। तो देख लेते हैं इसके लिए जो सामग्री लगेगी। यहाँ मैंने एक कटोरी तिल लिया है, एक कटोरी मावा, एक कटोरी शक्कर, आधा कटोरी बादाम क्रश कर लिया है मैंने, आधा कटोरी मूंगफली के दाने हैं इन्हें भी क्रश कर लिया है, आधा कटोरी काजू इसे भी क्रश कर लिया है, एक चम्मच इलायची पाउडर लिया है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम तिल्ली को भून लेंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखना है, स्लो फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। तिल्ली को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तिल्ली भून गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें एक चम्मच देसी घी गरम कर लेंगे। इसमें मावा डाल देंगे। मावे को हमें अच्छे से भूनना है। मावा भी अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तिल्ली का बारीक पाउडर तैयार कर लिया है, मावे को एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम सारा सामान डाल देंगे। तिल्ली, बादाम, काजू, मूंगफली दाने, इलायची पाउडर, शक्कर। यहाँ मैंने एक कटोरी शक्कर लिया है। अगर आपको मीठा ज्यादा खाना पसंद है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा मावा गर्म है तभी हमें ये सारी चीजें मिक्स कर लेना है। हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। हमारे मावा और तिल्ली के लड्डू तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।